बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर, क्या हाल चाल है? जैसा कि हम आपको पता है कि हमारी वीडियो आज अपर कैप के बारे में, लेकिन उससे पहले अब एक डिस्क्लेमर कि इस वीडियो कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है, ये सिर्फ हमारी रिसर्च है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, अभी हम आपको स्क्रिप्ट बताते हैं जिनको अपर कैप लगेंगे, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर साहब से जाकर पूछते हैं कि मार्केट का ओवरव्यू क्या है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज, वीडियो छोटी रखेंगे कल, ताकि रमज़ान की टाइमिंग है और रोज़ा मुझे भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हमने छोटी कोशिश करनी है कि हमने बस काम की बात करनी है। ठीक, तो पहला ये कि मार्केट का व्यू, हम लोगों ने नंबर ऑफ़ टाइम्स बताया कि आपके पास ये मार्केट आपकी जब आपकी 65,300 को क्रॉस करेगी, देन मार्केट हैज़ पोटेंशियल के ये फर्दर 800 पॉइंट्स और 800 पॉइंट्स से गेन कर सकती है। तो अब मार्केट उस रेजिस्टेंस को भी तोड़ के आगे आ गई है। नाउ मार्केट का फ्यूचर थोड़ा और ब्राइट लग रहा है। बस एक लास्ट जो रेजिस्टेंस है वो 61 67 के लेवल पे है, उसके बाद मार्केट ठीक है। ओवरऑल मार्केट अभी अच्छी चल रही है। ठीक है, मतलब बंदा रिस्क ले सकता है और थोड़ा बैठ सकता है। ठीक है, अच्छा, मार्केट का अगर हम देखें तो मार्केट में जो बायर्स हैं, ठीक है, जो एक अच्छी बात है, जो कि एक खुशायन बात है, वो ये है कि आज का अगर आप स्विपी लिपी डेटा देखें तो इसमें आपको इसका रेट किधर है, चलिए जो भी है, इसका अगर आप फिपिलिपी डेटा देखें तो आज को क्या फिपिलिपी डेटा के मुताबिक आपको फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपको बाइंग साइड पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड साइन। और ये नंबर ऑफ टाइम, मतलब कि ऐसा हो चुका है कि ये काफ़ी दिनों से बाइंग साइड पे हैं। इंडिविजुअल्स अगेन सेलिंग साइड, बहुत गुड। और बैंक्स ने सेलिंग किया है, थोड़ा सा वरी साइन है, लेकिन ओवरऑल जो है वो ब्रोकर्स ने बहुत ज़्यादा बाई किया, मतलब ये कल प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा सकते हैं। ओवरऑल ये कल इंडेक्स इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ पॉइंट गेन करेगा, 300 400 पॉइंट, वहाँ से अगर प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज ये आगे निकल सकता है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग आएगी ज़रूर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें कि तीन, मतलब इस वीक में 25 मार्च से अब तक क्या हुआ है, मतलब मंडे ट्यूसडे और वेनसडे कलेक्टिवली, तो फीपी आपके बाय साइड पे हैं, ब्रोकर बाय साइड पे रह रहे हैं, बैंक्स आपके सेलिंग पे जा रहे हैं, इंडिविजुअल्स आपके बाय साइड पे जा रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी सेलिंग पे जा रही है, और म्यूचुअल फंड बाय साइड पे, जो बड़ी एंटिटीज़ हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हो गया, और ब्रोकर ब्रोकर खैर प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ही रहते हैं, जैसे ही मार्केट बढ़ती है वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि मार्केट इंशाल्लाह 67 को टच करेगी, आपने प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस और बैंक्स तीनों जो हैं वो बाय मतलब सेल साइड पे। ठीक, तो रिकमेंडेड ये है कि आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें जैसे ही मार्केट 67 को टच करती है, एटलीस्ट 70% अपना माल क्लियर कर लें। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम कि कौन से शेयर अब आप कैप की तरफ चले कैप की तरफ जाएंगे। जाएंगे, ठीक है, अच्छा, उसमें पहला, लेकिन एक मिनट, हाँ जी, उससे पहले आप जो है ना अपने ग्रुप की एक्टिविटीज बताते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर हम ग्रुप की एक्टिविटी शेयर करें तो देखें ग्रुप की एक्टिविटीज़ एस्टॉनिशिंग। हमारा ग्रुप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही सक्सेसफुली चल रहा है, और लोग इसके दूर दूर से अब बच्चे करना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब कि हमारी वीडियो देख के अब लोग नहीं आते, मतलब लोग अपने कहने पे, मतलब किसी और के कहने पे ग्रुप में हमारी चीज़ शेयर हो गई, अच्छा ये कैप कह रहे हैं वो जी, AI फलाना निकाना, ये सारी चीज़ें हमारी माशाल्लाह अच्छी शेयर हो रही हैं लोगों के पास में। अपर कैप के शेयर देखें तो आपको हम AGL, हम 25 मार्च से कहना शुरू हुए हैं कि AGL ले लें, AGL ले लें, करंट बाय प्राइस पे इसको बाय कर लें, बाय अबव सेल दिस पॉइंट, स्टॉप लॉस ये, तो मतलब के पार्शल सेलिंग ऑलवेज हम रिकमेंड करते हैं AGL। मैंने AGL ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने कहा हुआ है कि AGL अपने पास रखें। ठीक है, और 27 तक ये माशाल्लाह पहुँच चुके हैं, और 13 से हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया हुआ है AGL का। क्लोव को अपर कैप हुआ, AGL को भी अपर कैप हुआ 25 को। ठीक है, और मार्केट थोड़ी बहुत रेंज बाउंड थी, लेकिन स्टिल हमारे जो मार्केट के शेयर्स थे वो कैप हो गए। ठीक है, मेटा मेटा को हमने कहा कि लॉक पड़ेगा आज। ठीक है, ये हमारा सिग्नल था, तो माशाल्लाह इसने हमारा सिग्नल ओके कर दिया और इसने भी कैप हो गया। OGDC और ये हम 2 3% गेन के लिए दिए हुए थे 5 मार्च को, 5 मार्च को, लेकिन ये हमारे नहीं हिट हुए। MMFL आया 155 पे भी आया, और हमारे एग्जिट प्राइस पे बहुत दफ़ा आया, लोगों ने बहुत ट्रेड्स किए हैं इसमें, लेकिन एक दो लोग इसको लेके भी बैठे हुए हैं 157 पे, तो इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है, अकोमोडेशन का स्क्रिप्ट है। ठीक है, PIE हम 5 मार्च से कह रहे हैं, PIE उस टाइम 11.5 का था, 12.68 उसका बाय लेवल 1 बताया हुआ है हमने, बाय लेवल 2 बताया हुआ है। ठीक है, बाय लेवल 2 से नीचे नहीं जाएगा जी। ठीक है, उस टाइम ये 13 रुपये का फिर रहा होगा। ठीक है, और हमने सेल पॉइंट बताए, और आज ये मतलब नंबर ऑफ टाइम्स हमने इसकी कॉल दी, और आज ये भी 27 का है, AGL भी 27 का, ये भी 27 का। ठीक है, ये तो हमने कह कह के लोगों को दिलवाया ना, रिक्वेस्ट कर करके, भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो। ठीक है, अब हमने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी है नेट सोल। ठीक है,
आई पर्सनली रिक्वेस्ट माई पीपल के आप जो है नेटसो ले लें, नेटसो ले लें, नेटसो ले लें, नेटसो ले लें। और ये 118 का लेवल मैंने उनको कहा हुआ है, ठीक है, 118 तो 116 इसके बाद प्लान बी है, अगर ये खुदा ना खास्ता उससे नीचे आता है तो हमने प्लान बी की तरफ चले जाना। वो प्लान बी क्या है आई विल नॉट एक्सपोज, लेकिन ये है कि वो हमारा प्लान बी एक अच्छा प्लान, ठीक है। सेम कौसम, कौसम ने भी नंबर ऑफ टाइम्स क्लोजिंग इस पर दी है और ऊपर 5.5 तक आया हुआ है, ठीक है, 5 मार्च से। KOHP ने बड़ी अच्छी चाल दी है, 5.6 से 6.04, 6.4 ये भी ये लगा चुका है। तो ओवरऑल हमारे जो 5 मार्च से अब तक के शेयर्स हैं जो कि एक्युमुलेशन में डाले हुए हैं वो सारे ही सक्सेसफुल हो चुके ओ हैं। सर जी, सक्सेसफुल इज समथिंग स्मॉल से समथिंग बिग, ठीक है। सही। चलें सर, अब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, अफ्तारी का भी टाइम होता जा रहा है, तो अपर कैप के स्क्रिप्ट बताते हैं अच्छा और फिर वीडियो खत्म करते हैं। अच्छा अपर कैप का पहला स्क्रिप्ट सर जी, पहला स्क्रिप्ट आपको मैं रिकमेंड करता हूँ अगेन कि PIA आप थोड़ा सा और लेके बैठे। PIA आपको 29 और 33 के लेवल पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा AGL जो कि 27 लगा चुका है, इसका कल टारगेट ऑब्वियसली 29 का होगा, लेकिन अपर साइड पे आपने सेलिंग ज़रूर करनी है। अपर साइड पे सेलिंग इज़ मस्ट। PTC 17.7 के बाद इंशाल्लाह कैप, ठीक है। और BCL को देख सकते हैं आप, ठीक है। ये दो तीन शेयर जो कि आज हैं ये कल इंशाल्लाह ताला, नेटसोल का कोई पता नहीं है, नेटसोल का 124 के बाद कोई भरोसा नहीं है। सेम गोज़ फॉर एयरलिंक, एयरलिंक का 61.7 के बाद जो भी और चल रहा होगा उसका मतलब ऑर्ली क्लोजिंग वो अगर 62 से दे देता है, 62.1 की भी इवन के दे देता है, सीधा कैप जाएगा वो 64 पर, ठीक है। तो ये तीन चार अच्छे शेयर हैं, इनको आप लेके बैठे हैं, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग मस्ट है, ये आप जहन में रखें। 67 इज़ ऑल टाइम हाई, वो लगेगा यहाँ पे, मार्केट थोड़ी सी शॉर्ट भी होगी। हाँ अगर यहाँ से गुजर गई अग्रेसिवली, जैसे ये पीछे से गुजरती आ रही है, देन इसका मतलब है कि नई तैयारी है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। और इसके अलावा देयर इज़ वन थिंग मोर कि अगर हम ग्रुप की एक्टिविटी अगर कोई बंदा पूछता है कि हमारा, क्योंकि हम तो ये सारा कुछ शेयर करने पे तो नहीं, हम ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हैं अपना सारा सिस्टम, तो ताकि किसी को कोई मसला ना हो, कोई वो ना हो, ठीक है। लॉट कैम कॉमुलेशन कॉल गिवन PTC बाय इस लेवल पे कैप, ठीक। अच्छा और टाइम भी साथ साथ टाइम भी, टाइम भी है, देख लेंगे टाइम। शॉर्ट साजियों को शॉर्ट, ठीक है। साजियों को हमने शॉर्ट, ये दो दफ़ा मैं साजियों की शॉर्ट की कॉल दे चुका हूँ, एक दफ़ा 385 पे एंड देन अबव ऊपर मैंने 391 पे दिया। ऊपर मैं दिखा देता हूँ कौन सा दिन था ये साजियो शॉर्ट कॉल 397 टू 406 उसने नहीं टपा, ठीक है। 406 उसकी मजाल ही नहीं हुई कि वो टप चला जाए, ठीक। और आज वो 381 भी उसने लगाया, 371 भी लगाया, और अब जो है ना 380 आई थिंक 379 या 3 इतना कुछ उसका लो है, ठीक है। ये हमारे एग्जिट पॉइंट पे भी है, ठीक है। PTC की कॉम्बिनेशन कॉल हमने दी और इतने पे ही था ये, ठीक है। ये कौन सा दिन है, फ्राइडे का दिन है, पिछला फ्राइडे ले ले इसको। AGL आई रिक्वेस्ट की AGL कुछ ना कुछ आप लेके रखे, ठीक है। एड मोर AGL मतलब इतने पे आप और ज़्यादा ले लें, पीछे तो और लिया ही लिया है, इतने पे और ले लें, ठीक है। नेट सोल की हम दे देते हैं AGL लॉक, ठीक है। दावा एक चीज़ है यहाँ पे, अगर सर्च करें ना आप AGL तो AGL हम बहुत 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 पहले बहुत पहले, ठीक है। ये हमारे स्क्रिप्ट थे जो कि हमने AGL और क्रो 25 मार्च को शेयर किए, दोनों माशाल्लाह कैप। आई होप PTC को पॉकेट में रखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। दावा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों। LSVL की कॉल दी, वो भी हमारे टारगेट पॉइंट पे 8 कैप अल्हम्दुलिल्लाह। ADC भी कैप, ठीक है। सारे कैपो कैप ही चलता है भाई, इधर इधर एक दो शेयर हम बताते हैं लेकिन वो कैपो कैप चलते हैं। दोज हु हैव AGL इन देयर पोर्टफोलियो बुक सेल 70% बुक कर लेंगे अपना प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है। PTC डबल, ठीक है, बॉटम बना चुका है, इससे आगे गया तो हम रिकमेंड करते हैं। 17 में हमने सेलिंग कराई, दोबारा बाय करवा दिया आज, ठीक है। BCL कैप हो गया 86 पे हमने BCL पहली दफ़ा कहा था और आज वो 111 पे हो गया, लेकिन दरमियान में हमने सेलिंग भी करवाई, ठीक है। नेटसोल को हमने एक्युमुलेशन की कॉल दी और नेटसोल की हमने देते रहेंगे इसको कॉल, हम अब नेटसोल के पीछे हैं। साजियो की शॉर्ट कॉल ऊपर भी दी, इधर भी दी, 379 उसने अपना लो लगाया, ठीक है। वहाँ से वो थोड़ा सा बैक हुआ लेकिन वो है शॉर्ट पे। लॉट कैम की आज हम पीछे पड़ गए। अब लॉट कैम और नेटसो, ये नेटसो तो हम लंबे अरसे के लिए पड़ जाएंगे इसके पीछे, लॉट कैम हमने छुड़वा देना है थोड़े एक दिन बाद, ठीक। सो इस तरह करके हम एक्टिविटीज़ हमारी शेयर होती हैं, इनमें आप पूरा देखें कि आप हमने ना कोई TRG दिया, ना कुछ दिया, ना ये कहा कि जी आप जो है ना 371 पे ले लें, 72 पे छोड़ दें, AGL को 21.1 पे ले लें, 22.2 पे छोड़ दें,
ठीक है, घुमा फिरा के ना लंबी चौड़ी लिस्ट दी, ठीक है, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम इसको सिर्फ दो तीन शेयर्स में काम करते दो हैं। तीन साजी हो, ये वो, ये AGL साजी हो, PIA PTC, यही चलती आ रही है साइकिल, यही है, यही साइकिल चलती आ रही है जी। तो ये हमारा काम है, और इसके अलावा और कोई शेयर हम नहीं बताते। जो हमारे हम पहले देखते हैं कि अच्छा कौन सा शेयर है, पिक किया उसको 2-3 महीने के लिए रोलना शुरू कर दो, ठीक है, बताते रहो ये करो ये करो ये। टैली, टैली मैं टैली का बता दूंगा आप लोगों को, टैली कोई ना फंसे टैली के लिए, टैली के बाद जब तक 12.2 से ऊपर वो ना चला जाए, ना टैली के अंदर ना फंसे, टैली आपको दोबारा मतलब के नीचे मिल जाएगा। अभी इसने 10.4 की क्लोजिंग देनी है, फिर इसने 11.4 की क्लोजिंग देनी है, फिर 12.4 की देनी है। 12.4 की क्लोजिंग जिस दिन दे जाएगा, अगला इसका टारगेट 17 होगा। मेरी बात सही। ये लिख लें, ऑन रिकॉर्ड है, ठीक चलिए है। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अपना वेरी बहुत मच। सारा ख्याल बातें तो रखें और बहुत सारी हैं लेकिन दुआ में याद खत्म। रखें।